ब्रॉट यू बाय मेघदूत सत्रीठा। मेघदूत सत्रीठा शैम्पू ये हेयर फॉल को कम करे, डैंड्रफ को रोके और दे आपके बालों को भरपूर मजबूती। मेघदूत सत्रीठा शैम्पू किया जाता है कि माधव सदार के पांडे अपने अलग ने सुधार से अर्जित की गई है। इस जमीन को आज जब किया जा रहा है, इस जमीन के मालिक के तौर पर राज्य सरकार को नियुक्त किया जा रहा है। सुनो तो ये मुनादी है लेडी डॉन के लिए, वो लेडी डॉन जिसने और जिसके गुर्गों ने पुलिस को खूब चकाया था। अब पुलिस उस पर ताबड़तोड़ एक्शन कर रही है और ये तस्वीरें भी इसी एक्शन की बड़ी कड़ी हैं। मिर्जापुर पुलिस ने लेडी डॉन गैंगस्टर सुल्ताना उर्फ आंटी पर बड़ी कार्रवाई करते हुए उसकी करोड़ों की संपत्ति की कुर्की की कार्रवाई की है। कौन है ये लेडी डॉन और क्या है इसके कारनामे, वो हम आपको आगे जरूर बताएंगे। लेकिन पहले देखिए पुलिस फोर्स की मौजूदगी को, कि प्रशासन के अधिकारियों के साथ कितनी भारी भरकम फोर्स इस एक्शन के दौरान लगाई गई है और समझिए इस लेडी डॉन के वेटेज को। यहां चुनार तहसील के अरोरा थाना क्षेत्र के बूढ़ादेई में जैसे ही इस कुर्की की कार्रवाई के लिए जिला प्रशासन के अधिकारियों और पुलिस का पहुंचना शुरू हुआ तो मानो हड़कंप सा मच गया, आसपास के लोग भी इकट्ठा हो गए। इसके बाद इस लेडी डॉन के चार मकान जिनकी कीमत करीब 1,13,00,000 रुपए बताई जा रही है, उसकी कुर्की की गई। कि मादक पदार्थ गैंग लीडर सुल्ताना परवीन उर्फ आंटी पत्नी अहमद अली उर्फ बुझारत निवासी बूढ़ादेई थाना अरोरा जनपद मिर्जापुर। ये कार्रवाई डीएम दिव्या मित्तल के निर्देश पर उप जिलाधिकारी चुनार और अपर पुलिस अधीक्षक ओपी सिंह की मौजूदगी में थाना राजगढ़ और अहरौरा पुलिस ने की। इस दौरान खुद वो लेडी डॉन भी वहां पर मौजूद रही। कभी लोगों को पुलिस को छकाने वाली, बड़ा गैंग चलाने वाली इस लेडी डॉन का चेहरा तो देखिए कि कैसे पुलिसिया एक्शन से उसके चेहरे की हवाइयां उड़ गई हैं। अब जब पुलिस का एक्शन का डंडा चल रहा है तो मानो उसके तोते उड़े हुए हैं। उसकी आंखों के सामने पुलिस उसकी अकूत संपत्ति पर अब डंडा चला चुकी है। चलिए अब इस लेडी डॉन गैंगस्टर सुल्ताना, जिसे इलाके के लोग आंटी के नाम से भी जानते हैं, उसके कारनामों के बारे में जान लीजिए। दरअसल ये लेडी डॉन सुल्ताना अहरौरा और आसपास के इलाकों में अपना गैंग चलाती थी। सुल्ताना परवीन और आंटी का ये गैंग मादक पदार्थ की तस्करी करता था। इस मामले में अहरौरा थाने में सुल्ताना परवीन पर 7 मुकदमे दर्ज हैं। जनपद मिर्जापुर में सुल्ताना परवीन नामक इस गैंग पर बड़ी कार्रवाई करते हुए इनकी 1,12,00,000 की संपत्ति गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क की गई है। ये गैंग एक शातिर गैंग है जो कि मादक पदार्थों में डील करता है, नवयुवक बाकी लोगों को समाज में नशा बेचने का काम करता है। चरस हेरोइन गांजा इत्यादि की बिक्री करने वाली ये महिला सुल्ताना परवीन, इस पे गैंगस्टर एक्ट की धारा लगाकर इसको जेल भेजा गया था और अब इस पे कार्रवाई करते हुए इसकी संपत्ति भी जो कि 1,12,00,000 की है उसको कुर्क भी किया गया है। जनपद मिर्जापुर में ऐसे जो भी अपराधी है जो कि मादक पदार्थों में डील करते हैं, समाज में नशे के बिक्री का काम करते हैं, चाहे अन्य कोई भी अपराध करते हैं, उन सभी को जेल तो भेजा ही जाएगा, साथ ही साथ गैंगस्टर एक्ट लगाकर उनकी संपत्ति जो कि अपराध से अर्जित करते हैं उसको भी कुर्क किया जाएगा। उसी के तहत सुल्ताना परवीन जो कि महरौरा थाना क्षेत्र की रहने वाली है, जो नशे में डील करती थी, उसके खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 1,12,00,000 की आज संपत्ति कुर्क भी की गई है। तो योगी सरकार में अब अच्छे अच्छे डॉन का साम्राज्य ढहाया जा रहा है और मानो पूर्वांचल में तो सब पवित्र कर देंगे वाले पैटर्न पर और तेजी से एक्शन हो रहा है। और इसी मिशन के तहत गैंगस्टर एक्ट में इस लेडी डॉन के खिलाफ भी ये बड़ी कार्रवाई हुई है। हालांकि अतीक का जो हाल हुआ और जो मुख्तार का हाल है, उससे पहले से ही कई गैंगस्टर सरेंडर की हालत में हैं। वैसे जिस तरह से मिर्जापुर में ये कार्रवाई हुई है उस पर आप लोग क्या कहेंगे, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखिए। मिर्जापुर से सुरेश सिंह की रिपोर्ट, यूपी तक।